हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के फैशन सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से स्मार्टली आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए है, सो दैट आप अपनी हार्ड अर्न मनी को बचा सकें, साथ ही साथ बढ़िया डील्स को भी ग्रैब कर सकें। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, किस तरीके से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ अगर आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो, नोटिफिकेशन जो है उसको बेल को भी ज़रूर से हिट कर लीजिए, जैसे कि किसी भी अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। कोई भी ऑनलाइन साइट से आप परचेजिंग क्यों ना कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। पहली चीज़, हमेशा कोई भी चीज़, प्रोडक्ट जो आपको परचेज करना है, आपको उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके एक वॉच रखना बहुत ज़रूरी होता है। विश लिस्ट में डालिए उस प्रोडक्ट को, कुछ समय तक उस पर वॉच रखिए। हर एक ऑनलाइन वेबसाइट हमेशा हर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस को फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे करती रहती है, कभी दाम नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। हमेशा जो है इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट के साथ में ऊपर नीचे प्राइसेस होते ही रहते हैं। आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, जो आपको परचेज करना है, आपको उस पर वॉच रखना है थोड़ा सा। जैसे ही उस प्रोडक्ट का दाम नीचे आए आपको छट से उसको परचेज कर लेना है। मेरे चैनल पे जा कर के आप फैशन प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, बहुत सारी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो क्वालिटी वाइज ऑसम है, दिखने में ऑसम है और प्राइस में बहुत कम है। जी हाँ, बिल्कुल से आप भी इस तरीके से उनको डील को ग्रैब कर सकते हैं। जिस प्राइस पॉइंट पर मैंने कुर्तीज़ को परचेज किया हुआ है या जिस प्राइस पॉइंट पर मैं बाकी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को परचेज करती हूँ, यही सबसे बड़ा कैच होता है मेरे चैनल पर दिखाई गई चीज़ों का। तो किस तरीके से इतने सस्ते सस्ते दामों पर इतनी बढ़िया चीज़ें मैं खरीद लेती हूँ, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। प्राइस फ्लक्चुएशन हर एक वेबसाइट करती ही रहती है, चाहे आप किसी बड़े ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर के परचेज करें, चाहे आप किसी छोटे स्टोर से जाकर के परचेज करें, आपको हमेशा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो डेफिनेटली जब भी प्राइस नीचे आता है आपको उसी टाइम पर उस प्रोडक्ट को परचेज करना है, ग्रैब करना है। सेकेंड थिंग, हमेशा उनका साइज चार्ट रेफर ज़रूर करिए। हर एक ब्रांड में हर एक साइज़ के लिए अलग चार्ट होता है, उसमें लिखा होगा डिटेल आपको कि आपको ट्रू साइज चार्ट है तो आपको उसी साइज चार्ट के हिसाब से चीज़ें परचेज करनी है, या फिर आपको अपर साइज़ लेना है या लोअर साइज़ लेना है। हर एक ब्रांड में अलग अलग तरीके से आते हैं, तो डेफिनेटली आपको साइज चार्ट को रेफर करना परचेजिंग से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमेशा कोशिश किया करिए कि सेल टाइम में ही आप परचेजिंग करें। सेल टाइम में परचेज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जो भी प्राइसेस हैं वो आपको हमेशा काफ़ी नीचे के दाम पे मिलते हैं, आपको हमेशा 50-60-70% तक का ऑफ मिल जाता है, जो कि नॉर्मल डेज में नहीं मिलता है। सेल टाइम पर ही परचेज करने में हमेशा बेनिफिट होता है। किसी भी एक वेबसाइट पर अगर सेल चल रही होगी, बाकी सारी वेबसाइट्स पर कंपटीशन के चक्कर में सभी वेबसाइट पे इकट्ठे सेल आ जाती हैं। आप कभी भी नोटिस करके देखिएगा, फैशन से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना आपको परचेज करना हो, किसी एक वेबसाइट पे भी अगर सेल चल रही है आप उसी टाइम पे दूसरी वेबसाइट से कंपेयर करिए सेम प्रोडक्ट को, आपको ज़रूर से सेल देखने को मिलेगी, अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। आपका फ़ायदा किस में है, किस साइट से खरीदने में आपका फ़ायदा है, ये आज डिसाइड कीजिए, आप उससे परचेस करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी यूट्यूबर ने कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया तो आपको उसकी बात को मान के उसी जगह जाके परचेस कर लेना है, नहीं। आप अपने दिमाग का प्रयोग करिए, आप अपने हिसाब से देखिए किस पे आपको ट्रस्ट है, कहाँ पे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है, आपको वहीं से ही चीज़ परचेस करनी चाहिए है। पैसा आपका जा रहा है, आप उस चीज़ को सोचिए समझिए और उसके बाद ही परचेसिंग करिए। लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, चाहे आप एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती परचेज करें चाहे प्रिंटेड कुर्ती परचेज करें, कोशिश करिए कि मल्टी कलर्ड उसमें हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ग्रे कलर की कुर्ती को डिफरेंट डिफरेंट बॉटम्स के साथ में स्टाइल करके दिखाया था आपको, उसमें मैंने जो ग्रे कलर की कुर्ती ली थी उसमें बहुत सारे थ्रेड कलर का वर्क हो रखा था, जो मल्टी कलर का थ्रेड था उसका वर्क हो रखा था। उस कुर्ती में जितने भी कलर्स थे
सबके साथ में मैंने बॉटम को आपको कंपेयर करके दिखाया है, पहन करके दिखाया है कि किस तरीके से वो एक साथ लग रहे हैं। जो सा भी आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन लगे आप उसे ट्राई आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉटम्स के साथ में उसको पेयर अप कर सकते हैं। एक ही कुर्ती के साथ में कैसे डिफरेंट डिफरेंट लुक्स देने हैं आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑल्सो मेरे चैनल पर आपको व्हाइट कुर्ती या ब्लैक कुर्ती के डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाएंगे। सभी का लिंक आपको दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें जस्ट फॉर आइडिया कि किस तरीके से आप सिंगल एक कुर्ती को डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर लीजिएगा। इसी तरीके से प्रिंटेड कुर्ती की अगर बात करें तो प्रिंटेड कुर्ती भी अगर मल्टी कलर्ड में होगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि किस तरीके से आप एक ही कुर्ती को डिफरेंट डिफरेंट बॉटम्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉटम्स के साथ में पेयर कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो एक ही कुर्ती को आप एन नंबर ऑफ टाइम्स वेयर कर सकते हैं, हर बार एक नए स्टाइल में, नए पैटर्न में, और किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। सो डेफिनेटली इस तरीके की अगर छोटी छोटी सी बातें आप भी ध्यान में रखेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना आपके लिए भी बेहद आसान हो जाने वाला है और साथ ही साथ अच्छी डील्स को आप भी ग्रैब कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जरा सा भी अगर हेल्पफुल रहा है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। Goodbye.